स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। पूरे राष्ट्र में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस बार स्वतंत्रता सप्ताह 11 से 17 अगस्त तक मनाया जाएगा। इस स्वतंत्रता सप्ताह में आकर्षण का प्रमुख केंद्र है हर घर तिरंगा अभियान। जी हां, श्री नीलकंठेश्वर शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मुकेश जैन ने बताया है कि यह हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए स्टाफ और विद्यार्थियों द्वारा भरकश प्रयास किए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत ही जागरूकता हेतु एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर एसएन महाविद्यालय के नेतृत्व में किया गया है। बता दें कि इस जागरूकता रैली की शुरुआत एनएच महाविद्यालय से हुई है, जिसमें मोतीलाल नेहरू विविध महाविद्यालय के स्टाफ और विद्यार्थियों ने भी सहभागिता निभाई है। बता दें कि तत्पश्चात यह रैली पूनम चंद गुप्ता वेंकटेश्वर महाविद्यालय पहुंची है और इस रैली में पूनम चंद गुप्ता वेकेशनल महाविद्यालय से विद्यार्थी शिक्षकों के नेतृत्व में शामिल हुए हैं। इस विशाल रैली में हाथों में तिरंगा झंडा लिए विद्यार्थियों ने माता का पूजन किया है और भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। बता दें कि उद्घोष से राहगीरों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस जागरूकता रैली के संयोजक और क्रीड़ा अधिकारी श्री अमित कुमार इब्राहिम ने बताया है कि यह रैली श्री नीलकंठेश्वर शासकीय महाविद्यालय खंडवा से प्रारंभ हुई, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा तक पहुंचकर पलटी है और एनएच महाविद्यालय प्रांगण में संपन्न हुई है। इस रैली में तीन महाविद्यालयों के विद्यार्थी, एनसीसी कैंडिडेट, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक ने अपने शिक्षकों के नेतृत्व में सहभागिता निभाई है। इस रैली का सक्रिय नेतृत्व नीलकंठेश्वर शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मुकेश जैन के हाथों में तिरंगा लेकर किया गया है।